आज का फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन एक बहुत ही ज़्यादा स्पेशल मेमोरेबल फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन होगा। लास्ट 48 आवर्स में रेसलिंग वर्ल्ड में दो लेजेंडरी सुपरस्टार्स को खो दिया। पहले थे टेरी फंक जो कि हार्डकोर लेजेंड रह चुके हैं, और दूसरे थे 36 की एज में द फीन्ड ब्रे वायट। अब इन दोनों लेजेंडरी सुपरस्टार्स को ट्रिब्यूट देते हुए स्टार्ट हुआ आज का फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन, जहाँ हमें पूरा का पूरा रोस्टर पहले तो देखने को मिला 10 बेल काउंट देते हुए दोनों सुपरस्टार्स को। एंड सरप्राइजिंगली दो ऐसे सुपरस्टार्स हमें उस पूरे भीड़ में देखने को मिले। एक थे कोडी रोड्स, जो कि स्मैकडाउन का हिस्सा नहीं है, पर वो देने आए थे ट्रिब्यूट टेरी फंक और ब्रे वायट को। इसके साथ हमें देखने को मिले थे ब्रॉन स्ट्रोमन, जो कि इंजरी की वजह से आजकल हमें टीवी पर नहीं दिखते, और एरिक रोवन। अब ये दोनों के दोनों सुपरस्टार्स का बहुत ज़्यादा समय बीता है ब्रे वायट के साथ वाइट फैमिली में, तो पूरा बनता था इन दोनों के दोनों सुपरस्टार्स का स्मैकडाउन पर होना इस ट्रिब्यूट एपिसोड में। तो जब ग्राफिक्स दिखाए गए और विनियट्स दिखाए गए, तो आपको साफ दिख रहा था कि ये बनावटी आंसू नहीं है जो सुपरस्टार्स की आंखों से निकल रहे हैं। पूरी की पूरी ऑडियंस जो थी वो ब्रे वायट का थीम सॉन्ग गा रही थी। फायरफ्लाइज पूरे के पूरे एरिना में थे, और इससे साफ दिख रहा था कि किस तरह से WWE सेलिब्रेट करना चाहती है टेरी फंक और ब्रे वायट का हम सबके साथ अब ना होना। वीडियो ट्रिब्यूट किया गया, उसके बाद सारे के सारे फैंस चैंट करने लगे थैंक यू ब्रे। हमें ऑडियंस में भी देखने को मिला किस तरह से फैंस ने हाथ में पोस्टर्स ले रखे थे जिसमें लिखा था ही इज गॉट द होल वर्ल्ड इन हिज हैंड्स। और उसके बाद लाइट्स डिम होती हैं और एक रॉकिंग चेयर जो कि एम्प्टी थी उसके ऊपर स्पॉटलाइट जाती है, और उसके बाद एपिसोड शुरू होता है। पूरे के पूरे स्मैकडाउन में बीच में ट्रिब्यूट पैकेजेस दिखाए गए, किस तरह से पूरी की पूरी रेसलिंग इंडस्ट्री शॉक में थी जब ब्रे वाइट हम सबको छोड़ के चले गए, और के साथ साथ टेरी फंक के लिए भी बहुत सारे सुपरस्टार ने जो ट्वीट्स किए थे, जो फोटोग्राफ्स शेयर की थी अपने सोशल मीडिया पे, जो मेमोरीज जो थी जो फ्लैश की गई थी वो स्क्रीन पर दिखाई गई, जिसमें हमें पहले देखने को मिले रे मिस्टीरियो वर्सेस क्रिस मॉलर। अब द एवर डिपेंडेबल रे मिस्टीरियो का शायद ही कोई गंदा मैच हुआ होगा रिंग के अंदर। अब ग्रेसन वाला एक फ्यूचर स्टार ज़रूर हैं, और उनको बहुत फ़ायदा हो रहा है क्योंकि वो रिंग शेयर कर रहे हैं लेजेंडरी सुपरस्टार्स के साथ। पहले वो एज के साथ दिखे, फिर वो जॉन सीना के साथ, और आज हमें वो देखने को मिले रे मिस्टीरियो के साथ रिंग के अंदर एक मैच में। मैच जेन्युइनली बहुत ही अच्छा था, और हाँ, इस मैच में दखल देते हुए हमें दिखे पहले ऑस्टिन थ्योरी, जिनको टैकल करने के लिए सैंटोस एस्कोबार भी आए अंदर, लेकिन बाद में रे मिस्टीरियो ने 619 देकर जीत लिया ये मैच। इसके बाद एक बहुत इंटरेस्टिंग मैच था WWE वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए, ईओ स्काय जो कि चैंपियन है वर्सेस ज़ेलिना वेगा। अब ज़ेलिना वेगा रिप्रेजेंट कर रही थी LWO को, और ईओ स्काय चैंपियन है और रिप्रेजेंट कर रही थी डैमेज कंट्रोल को। ऑनेस्टली बहुत ही अच्छा मैच था। वैसे हम सबको पता था कि ज़ेलिना वेगा जीतने तो नहीं वाली, लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छा मैच था, टू एंड थ्रो काफ़ी हुआ, जिसके बाद विनर हुई ईओ स्काय। अब यहाँ पर भी ज़ेलिना वेगा स्लीव पर हमें देखने को मिला था, उन्होंने ब्रे लिखा हुआ था ब्रे वायट को ट्रिब्यूट देते हुए, और साथ ही बेली ने भी एक बैंड पहन रखा था ट्रिब्यूट देते हुए ब्रे वायट को। इसके बाद कोडी रोड्स आते हैं रिंग के अंदर और एक कहानी सुनाते हैं उनके डैड और टेरी फंक के बारे में। इसके साथ साथ वो ट्रिब्यूट देते हैं ब्रे वायट को भी। वीडियो पैकेज पूरा दिखाया जाता है जहाँ पर टेरी फंक के बहुत सारे मैचेस और मेमोरीज को शेयर किया जाता है, जिसके बाद कोडी रोड्स ये अनाउंस करते हैं कि नेक्स्ट मैच होगा वो डेडिकेटेड होगा टेरी फंक को, और वो कहलाया जाएगा टेरी फंक हार्डकोर मैच। अब ये था द ब्रॉलिंग ब्रूट्स वर्सेस स्ट्रीट प्रॉफिट्स का मैच। पूरे स्मैकडाउन में शायद मुझे ये एक वीक पॉइंट लगा, जहाँ पे टेरी फंक हार्डकोर मैच बोल के एक नॉर्मल टैग टीम मैच हमें देखने को मिला, क्योंकि टेरी फंक का जो हार्डकोर लेवल था वो एक अलग ही तरह का लेवल था। उसका 10% भी कहीं भी हम इमेजिन भी नहीं कर सकते WWE में आज की डेट में होते हुए। हैविंग सेड दैट, एक इंटरेस्टिंग सेटअप, एक इंटरेस्टिंग मैच था, जहाँ पर एक कैमियो हमें देखने को मिला बॉबी लैशली का। उन्होंने भी एक थोड़ा सा इंटरफेयर ज़रूर किया, और इसके बाद ये मैच जीता द स्ट्रीट प्रॉफिट्स ने। इन सब के बाद हम पहुँचे मेन इवेंट ऑफ स्मैकडाउन ट्रिब्यूट एपिसोड, जो कि था फिन बैलर वर्सेज एली नाइट। अब आप सोचोगे ये बहुत ही रैंडम मैच है, ये मैच क्यों किया गया, फिन बैलर तो स्मैकडाउन का हिस्सा भी नहीं है। तो इंटरेस्टिंग चीज़ ये थी कि फिन बैलर वो इंसान, वो रेस्लर थे, वो सुपरस्टार थे जिनके साथ ब्रे वायट का पहला यानी कि डेब्यू मैच हुआ था WWE में, और एली नाइट हम सबको याद है कि वो थे लास्ट सुपरस्टार जिनका मैच हुआ था ब्रे वायट के साथ। तो एक इंटरेस्टिंग सेटअप किया गया जहां पर इन दोनों का मैच किया गया एज अ ट्रिब्यूट टू ब्रे वायट। अब मैच शुरू होने से पहले एली नाइट एज एक्सपेक्टेड एक बहुत ही लाउड पॉप के साथ रिंग के अंदर एंटर करते हैं,
और उनका जो करंट फ्यूड है मिल्स के साथ उसको एड्रेस करने से पहले वो बताता है कि किस तरह से ब्रे वायट ने उनको बहुत ज़्यादा हेल्प करी जब उनका फ्यूड चल रहा था ब्रे वायट के साथ, और साथ ही उन्होंने बोला थैंक यू ब्रे। इसके साथ साथ उन्होंने मिल्स की वॉइस का भी मजाक उड़ाया और किस तरह से बोला कि वो इतने ज़्यादा रेलिवेंट सुपरस्टार हैं नहीं, और वो एक ऐसे सुपरस्टार है जहाँ पर उनका स्टंट डबल उनसे ज़्यादा पॉपुलर था। तो इस सब बीफ के बाद उन्होंने लास्ट सेंटेंस बोला, अ वाइज मैन वंस टोल्ड मी द नेक्स्ट टाइम यू सी मी रन। अब ये था रेफरेंस टू ब्रे वायट एज हम सबको पता है। इसके बाद फिन बैलर एंट्री करते हैं और हमें देखने को मिलता है एक मेन इवेंट। अच्छा मैच था दोनों सुपरस्टार्स के बीच और ये फाइनली मैच जीता LA नाइट ने। अनफॉर्चुनेटली फॉर फिन बैलर वो आज तक कोई मैच जीत नहीं पा रहे हैं, पर वो शायद हम एक ऐसी बात है जो हम किसी और एपिसोड में बात करेंगे। लेकिन आज के विनर थे LA नाइट, और इस विन के बाद पूरे एरिना में लाइट्स डिम हो जाती हैं। रेफरेंस हो गया था जिस तरह से ब्रे वायट की एंट्री या एग्जिट होती थी। शो का एंड हुआ जब पूरी की पूरी ऑडियंस चैंट करने लगी थैंक यू ब्रे। ये काफ़ी इमोशनल एपिसोड था, दे से द शो मस्ट गो ऑन। तो अंटिल नेक्स्ट एपिसोड, टेक केयर।